जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडलो लाडलो, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली जो सीआरपीएफ की भी वैकेंसी आ रखी है, आप सभी को पता है सीआरपीएफ ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है 9212 पोस्ट की, इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को पोस्ट के बारे में नहीं पता है। तो आप सभी को पता है 27 मार्च से आपके फॉर्म शुरू हो गए, कुछ बच्चों ने फॉर्म भर लिए हैं, कुछ अभी भरने जा रहे हैं। तो बच्चे बोल रहे सर किससे फॉर्म लगाएं ताकि हमको फायदा हो, या किस पोस्ट वालों को ज्यादा फायदा होता। देखिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा आपके सामने कि किस पोस्ट पर ज्यादा फायदा होता उसका। साथ ही एक चीज और बता दूं लाडलो, सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए यानी कल 1 अप्रैल से बेच शुरू हो रहा है रक्षक। ठीक है, कौन सा बेच? रक्षक बेच शुरू हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर सकते हैं। कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे, और मात्र 250 रुपए में यह बेच अवेलेबल है कमांडो अकेडमी एप। इसमें आपकी एक तो रिटर्न की तैयारी हो जाएगी और एक ट्रेड टेस्ट, दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, दोनों की ही तैयारी आपकी एक साथ हो जाएगी लाडलो, मात्र 250 रुपए। तो रक्षक बेच अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। अब बताता हूं किस पोस्ट पे फायदा। मैं आपको बताता हूं, हमारी अकेडमी का एक बच्चा है जो कि सिर्फ सफाई कर्मचारी से उसने फॉर्म भरा था। ठीक है, और जिस वैकेंसी पे उसने फॉर्म भरा वो है बीएसएफ की, उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं। तो वो जब महाराष्ट्र से है, वो एक ही पोस्ट है वहां पर, और आप यकीन नहीं करोगे किसी ने वहां से फॉर्म ही नहीं लगाया, और अगर किसी ने लगाया तो क्वालिफाई नहीं हुआ। ये अकेला बच्चा है जो पेपर क्वालिफाई हुआ है और फिजिकल क्वालिफाई हुआ है। अब एक पोस्ट है, अब सोचो लोग सोचे एक पोस्ट पे किसी ने फॉर्म नहीं लगाया, ये 2-4 बंदों ने लगाया होगा, वो पेपर में फेल हो गए या पेपर देने नहीं गए होंगे। ये अकेला बंदा है जिसने कि पेपर क्वालिफाई किया है, फिजिकल क्वालिफाई किया, एक ही पोस्ट है यानी मेरिट बनी बनाई है 100% सिलेक्शन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप कम पोस्ट देके फॉर्म नहीं भरते ना, उसकी बात बता रहा हूं, ज्यादा पोस्ट वाले में ही फॉर्म भरते हैं। हाँ अच्छी बात है कि ज्यादा पोस्ट है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कम पोस्ट वाले में नौकरी के चांसेस कम होते हैं। नहीं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो जो प्रोफेशन आपको अच्छा लगता है उसमें फॉर्म भरिए। मान लीजिए आप सफाई कर्मचारी का नॉलेज रखते हैं, या बार्बर का नॉलेज रखते हैं, या ड्राइवर का रखते हैं, या कुक का रखते हैं, तो जो काम आपको अच्छा लगता है उसमें फॉर्म भरिए। ये बात का ध्यान रखिए, ये मैटर नहीं करता किस पोस्ट में। अगर मान लीजिए कि कुक की पोस्ट सबसे ज्यादा है, जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है, कुक वाली पोस्ट सबसे ज्यादा है, तो फॉर्म अप्लाई जो फॉर्म होंगे वो भी सबसे ज्यादा कुक में होंगे, ये भी आप चेक कर लेना भले, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, समझे बात को। तो सबसे ज्यादा फॉर्म भी इसी के अप्लाई होंगे, तो इस बात का पूरा ध्यान रखना। पोस्टें मैटर नहीं करती है, अगर वहां से आपके वहां से 10-15-20 पोस्टें भी है अगर आपके राज्य से, तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, वहां चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपकी तरह ही सब सोचते हैं, ज्यादा पोस्ट वाले में ही भरते हैं, तो कम पोस्ट वाले में भरने का भी फायदा हो सकता है, ये ध्यान रखिए। तो पोस्ट चेक कर लीजिए, आपको उसके बारे में नॉलेज है, ट्रेड टेस्ट आप पास कर लोगे तो उसके बाद में कर लीजिए, उस पोस्ट पे अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे ट्रेड टेस्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, ट्रेड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप रक्षक बेस अभी से ज्वाइन कर लीजिए, तो आपकी पेपर की भी तैयारी हो जाएगी और साथ में ट्रेड की भी। ठीक है लाडलो, जय हिंद जय भारत।